नेत्रदान महादान है। मेरी आंखें किसी नेत्रहीन को देखने की शक्ति प्रदान करेगी। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। एक जिम्मेदार पद पर होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं अपने कार्यों से लोगों को समाज और लोगों के प्रति संकल्पित रहने के लिए प्रेरित करूं। बिहार सरकार में मंत्री है सुमित सिंह, उन्होंने यह फैसला लिया है कि वो अपना आंख जो है दान में देंगे। इसको देखते हुए पटना के IGIMS के नेत्र विभाग में पहुंचे हैं सुमित सिंह। उन्होंने अपने नेत्र दान के लिए जो है सहमति दी है। तो वहीं उन्होंने यह लिखा है कि मेरी आंखें किसी नेत्रहीन के जीवन में उजाला ला सके, इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती है। मैंने अपना जीवन अपनी जनता और उनकी सेवा के लिए समर्पित किया है। जनप्रतिनिधि के तौर पर यह नेत्र दान मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो समाज में इस महादान के पक्ष में एक सकारात्मक संदेश देगा। लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, लोग बड़ी संख्या में नेत्रदान के लिए जागरूक होंगे और आगे चलकर यह नेत्रहीनों के लिए वरदान साबित होगा। आंखें प्रकृति की सबसे सुंदर, अनमोल और अमूल्य उपहार व धरोहर है। आंखों के बिना हमारा जीवन अधूरा व बेरंग है। आंखें हैं तो जहान है, वरना सब वीरान है। आंखें मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मानव शरीर में 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। वहीं इससे जो है कोई व्यक्ति सौंदर्य रस, गंध, स्पर्श व स्वाद महसूस करता है। आचार्य चाणक्य ने आंखों को सभी इंद्रियों से जो है उत्तम बताया है। तो वहीं बता दे आपको कि जिसको देखते हुए सुमित कुमार सिंह ने अपना आंख दान करने का फैसला लिया है, तो वहीं अपनी सहमति जो है वो देने पहुंचे हैं पटना के IGIMS अस्पताल में। वहीं उन्होंने यह कहा है कि मैं जनप्रतिनिधि के नाते लोगों को जागरूक कर रहा हूं, और भी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो वहीं लोग जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, और भी तमाम लोग जो नेत्रहीन हैं उनको फायदा होगा इससे, लोग देख सकेंगे। क्योंकि देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेत्रहीन हैं, और मंत्री होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते एक बड़ा कदम उठाया है सुमित कुमार सिंह ने। देखा जाए तो लोगों का आंख ही सब कुछ है, और आंख दान करना, नेत्र दान करना, ये सबसे बड़ी बात है। एक मंत्री पद पर होने के नाते नेत्र दान किया है सुमित कुमार सिंह ने। नेत्र दान महादान है, उन्होंने लिखा है। मेरी आंखें किसी नेत्रहीन को देखने की शक्ति प्रदान करेगी, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। एक जिम्मेदार पद पर होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं अपने कार्यों से लोगों को समाज और लोगों के प्रति संकल्पित रहने के लिए प्रेरित करूं। तो वहीं पटना के IGIMS पहुंचे हैं, जहां पर सुमित सिंह ने जो है अपनी सहमति दी है आंख दान करने को लेकर, नेत्र दान करने के लेकर। वहीं उन्होंने यह साफ लिखा है कि मेरी आंख किसी नेत्रहीन के जीवन में उजाला ला सके, इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है। मैंने अपना जीवन अपनी जनता और उनकी सेवा के लिए समर्पित किया है। जनप्रतिनिधि के तौर पर यह नेत्र दान मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो समाज में इस महादान के पक्ष में एक सकारात्मक संदेश देगा। लोग बड़ी संख्या में नेत्रदान के लिए जागरूक होंगे, और आगे चलकर यह नेत्रहीनों के लिए वरदान साबित होगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।